हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों को वेलकम बैक टू माय चैनल गेमर जीनी। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं मेरी कुछ अचीवमेंट जो मुझे हाल ही में गेम में मिला है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को पूरा देखना एंड तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर डाल देना ताकि आप मेरे चैनल में आने वाली कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें। दोस्तों आप लोग को पता होगा कल हमारा नया सीज़न शुरू हो चुका है, सीज़न 18। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस रैंक सीज़न से हमारा कालाहरी मैप हट रहा है रैंक मोड से। तो हम लोग को सिर्फ परगेट्री और बरमूडा मैप ही दिखाई देगा पहले की तरह, जैसे पहले था कालाहरी मैप आने से पहले। पता नहीं गरीना वालों ने क्यों हटाया, पर कोई रीज़न होगा तो वो हम लोग को आगे पता चलेगा। बाकी हम लोग क्लासिक में तो कालाहरी में खेल ही सकते हैं। ओके सो गाइस, कुछ ही दिन पहले हमारा नया डायमंड रॉयल आया है, तो ये अभी फीमेल बंडल आया है। पिछली बार मेल बंडल आया था जिसका नाम था ओनी सोल सीकर, और इस बार के बंडल का नाम है योकाई सोल सीकर। तो यहाँ पे अपना लक हम लोग को ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा लक क्वेश्चन 1 है। तो सबसे पहले 10 स्पिन्स करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो बहुत ग्रैंड बॉक्स गिरा है, देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओ माई गॉड, मुझे ये बंडल मिल चुका है। मुझे तो लगा था यहाँ पर मुझे क्यूब फ्रेगमेंट या फिर मैजिक क्यूब मिलेगा। ओ माई गॉड, कितना अच्छा बंडल है, ये बंडल मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल चुका है। काफ़ी अच्छा बंडल है गाइज, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये बंडल। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ये काफ़ी शानदार बंडल है, इसका कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देखिए कितना अच्छा है। तो मुझे फर्स्ट में ही ये बंडल मिल चुका है, ये एक्सक्लूसिव बंडल पर अपनी दीदी के अकाउंट में। चलो गाइस कोई बात नहीं, जिस भी अकाउंट में मिला हो, दीदी का अकाउंट हो या मेरा, दीदी का अकाउंट मतलब मेरा ही अकाउंट है, तो मैं दीदी के अकाउंट से कभी भी खेलूंगी। तो अभी आप लोग ये बंडल देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बंडल है पिछली बार की तरह। इसमें भी पीछे 4 ग्रीन ऑब्स है, काफ़ी अच्छा बंडल है। तो गाइज आप लोग अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे तो आप लोग मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवमेंट की ओर। तो आप लोग को पता होगा एक नया इवेंट आया है कुछ ही दिन पहले जिसका नाम है व्हील ऑफ डिस्काउंट। तो इस पे भी हम लोग अपना लक ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मेरा ही अकाउंट है, दीदी का नहीं है या फिर किसी और का नहीं है, ये मेरा अपना अकाउंट है। तो अभी घुस जाते हैं इस इवेंट में और देखते हैं अपना कितना लक लगता है। तो यहाँ पर हमें पहले फ्री ड्रॉ का मौका दिया जा रहा है, तो पहले हम लोग स्पिन करेंगे हम लोग को कितना डिस्काउंट मिलता है। और ये सब है प्राइस पूल, फर्स्ट बैच का प्राइस पूल। तो मुझे मिल चुका है 99% ऑफ, ये काफ़ी भारी डिस्काउंट मुझे मिल चुका है गाइज। यहाँ पे मिस्टर वैगर है, मुझे ये पेट काफ़ी दिनों से चाहिए था, तो यहाँ पे मुझे ये 6 डायमंड में मिल रहा है। तो ये ही मैं ज़रूर खरीदूँगी और कोई बाकी चीज़ मुझे यहाँ से नहीं खरीदना। तो जल्दी से मिस्टर वैगर खरीद लेते हैं जो कि 699 का है असल में कॉस्ट, पर मुझे 6 डायमंड में मिल चुका नया पेट। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइस पूल में और क्या क्या सामान है। और यहाँ पे एक चीज़ ख़रीदने के बाद हम लोग को फिर से फ्री ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, लुकेटा और क्लू, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। और 2 पेट है जो कि है रोबो और मिस्टर वैगर। रोबो तो मुझे कुछ ही दिन पहले हैकर स्टोर से मिल गया, तो और यहाँ पर कुछ लेने के लायक नहीं है। तो फिर से अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रॉ, देखते हैं हम लोग को कितना डिस्काउंट मिलता है। अच्छा डिस्काउंट मिले तो कुछ और भी ख़रीद लूँगी। तो चलो गाइस इसे स्पिन करते हैं और मुझे मिल गया है 80% ऑफ। ये काफ़ी कम डिस्काउंट है मेरे हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डायमंड स्पेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई काम की चीज़ है भी नहीं। जितने भी बंडल थे ये दोनों बंडल्स मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर लिया। और रिफ़्रेश करने के बाद भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर एक सर्व बोट है जो मुझे अच्छा लगा, पर ये सर्व बोट का कॉस्ट कुछ ज़्यादा, ये कोई दूसरे इवेंट में सेल में आया तो तब ले लेंगे। तो अभी इस इवेंट को करते हैं बंद और अभी चलते हैं बेड सेक्शन पर। सो गाइस डायमंड स्पेंड करने पर मेरा रोबो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा है। अभी हम लोग अपने पेट का नामकरण करने चलेंगे। आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो मेरे सभी पेट्स का नाम किसी खाने पे है और वो भी बी से शुरू होता है, तो इसका नाम भी हम लोग उसी तौर पे रखेंगे। ये मेरे पेट्स के नाम का लेगेसी है जिसे हम हमेशा बढ़ाते जाएंगे। तो इसका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं जो कि है बर्गर। तो इसका असली नाम मिस्टर वैगर है और मैं इसका नाम रख रही हूँ बर्गर। तो ये नाम तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये
नाम कैसा लगा और आपने इस इवेंट से कुछ ख़रीदारी किया नहीं और आपको कितना डिस्काउंट मिला इस इवेंट में, ये आप लोग मुझे याद से कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मैंने नाम दे दिया है, अभी इसको पेट फूड खिला देते हैं। मेरे पास 13 पेट फूड थे तो उससे लेवल 4 तक अपग्रेड हो जाएगा मेरा पेट, और इसी के साथ मुझे पेट का 3 इमोट मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो पेट एक्सरसाइज भी कर रहा है, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस पेट है। लास्ट इमोट भी हम लोग चेक कर लेते हैं, उससे पहले इसे बाकी 3 पेट फूड खिला देते हैं ताकि इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाए। खा लो बेटा खा लो। ओके सो अभी हम लोग देखते हैं लास्ट इमोट, इसमें वो क्या काम करता है। ओ वाओ, इसमें तो ये डांस कर रहा है, काफ़ी अच्छा स्वैग है पेट का भी। तो इसका स्किन तो लेवल 6 में खुलेगा, तो जब मैं पेट को अपग्रेड कर लूँगी तब ये स्किन भी मुझे मिल जाएगा। आप लोगों को तो इसका स्किल पता ही होगा, ये ग्लू वाल देता है, तो ये स्किल काफ़ी ओपी है इस पेट का, ये रैंक में काफ़ी काम में आएगा जब मेरे पास कोई ग्लू वाल नहीं होगा, तो ये ग्लू वाल दे देगा। तो अभी इसे इक्विप कर लेते हैं और इसको फिर से थोड़ा डांस करवा देते हैं। तो गाइज़ अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवमेंट की ओर। तो कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी के अकाउंट से खेल रही थी, ये हमारे पीक का डबल बैल्कनी हाउस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, पर यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है 13-13 करके, तो मुझे पता नहीं ये क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज़ बता, नहीं ये शायद कोई बग या ग्लिच हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ये कोई हैकर कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। तो गाइज़ अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट अचीवमेंट जो क्या है, क्या है, क्या है। गाइज़ ये कुछ और नहीं बल्कि एक नया गन है जिसका नाम है वुड पेकर। कुछ दिन पहले जब मैं अपनी दीदी के अकाउंट से खेल रही थी तो मुझे ये गन दिखाई दिया, वो भी क्लासिक मैच में। गाइज़ ये गन एक स्नाइपर राइफल है SKS और ड्रैगनऑफ की तरह, और इन्हीं की तरह ये ARMO पे चलता है। तो ये गन अभी तक रैंक में नहीं आया, पर इसके बारे में गरीना वालों ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया था, जैसे कि उन लोगों ने पैराफल के बारे में बोला था, इसके बारे में तो उन लोगों ने एक भी जिक्र नहीं किया। पर पता नहीं ये गन कैसे उन लोगों ने गेम में डाला है, तो ये रैंक में तो नहीं आया, और मैंने चेक भी किया था ये अभी तक ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं आया, जहाँ की पैराफल को ट्रेनिंग ग्राउंड में लाया गया है। तो ये गन मुझे मिलने के बाद मैंने पूरा मैप ढूंढा, यहाँ से मैं पोचिनॉक गई, उसके बाद फैक्ट्री, वहाँ से पीक, पर एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया कि मैं आप लोग को इसका डैमेज दिखाऊं। पर इसका डैमेज ज़रूर ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये SKS और ड्रैगनऑफ की तरह है, और उनका भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गन अगर मुझे फ्यूचर में मिलता है तो मैं इसका गेम प्ले आप लोग को ज़रूर दिखा दूँगी, पूरा गेम प्ले। और लास्ट में जब मुझे इस गेम प्ले के एंड में जब बंदे दिखाई दिए थे तो बहुत शॉर्ट रेंज में बंदा था, और पीछे से दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे मार गया, तो एक भी किल नहीं हुआ इस गन से। सो नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये गन मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए गेम प्ले लाऊंगी। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे नए कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है के या फिर कश्मीर। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बहुत दिन पहले ही बोल दिया था कि एक नया कोलैब होने वाला है DJ कश्मीर के साथ, तो इसी वजह से एक नया कैरेक्टर आएगा। तो ये कैरेक्टर आ चुका है फेडेड व्हील में, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से ज़रूर इस कैरेक्टर को ले लेना, ये काफ़ी दमदार कैरेक्टर है। इसका स्किल भी आप लोग कैरेक्टर सेक्शन में जाके पढ़ लेना, ये आलोक को टक्कर दे सकता है ये कैरेक्टर। गाइस आज की वीडियो में ये सब ही था, आप लोगों को आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल देना। इससे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।